हेलो फ्रेंड्स, इस बार स्मैकडाउन में हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है कि कैसे सोलो सिकुआ द उसस ब्रदर्स अटैक कर देते हैं सेमी ज़ेन एंड केबी रॉलिंस एंड रिडल के ऊपर। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और आज के मैच में हमें रिडल एंड सोलो सिकुआ का एक मैच भी देखने को मिला है और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हुआ है आज की स्मैकडाउन में। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं WWE विद स्ट्रिया। सबसे पहले क्या होता है रिंग में, सेमी ज़ेन एंड केबी रॉलिंस बात करते हैं। जब केबी रॉलिंस के ऊपर सोलो सिकुआ एक बार अटैक कर दिए थे उसके बारे में केबी रॉलिंस एंड सेमी ज़ेन डिस्कस करते हैं। और साथ ही सेमी ज़ेन ये कहते हैं जे उसो को कि तुम्हारा साथ रोमन रिंग्स भी छोड़ देगा और सोलो सिकुआ भी छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे सेमी ज़ेन मतलब वही पुराना बात कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन जे उसो उसका बात कभी नहीं सुनते। तो यहाँ पर भी हमने ये देखा है कि ये बात सुन के जे उसोस एंड सोलो सिकुआ अटैक कर देते हैं सेमी ज़ेन एंड केबी रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद ही रिडल का एंट्री होती है और मतलब यहाँ पे हमें एक छोटा सा फाइट देखने को मिलता है द उसोस ब्रदर्स सोलो सिकुआ वर्सेस केबी रॉलिंस सेमी ज़ेन एंड रिडल का छोटा सा एक फाइट देखने को मिलता है। और ये एक्साइटमेंट यहीं तक ही ख़त्म हो जाती है। अब हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सेमी ज़ेन रिडल को ये समझाते हैं कि सोलो सिकुआ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रेसलर है और उससे थोड़ा तुम सेफली लड़ोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है। मतलब यहाँ पे सेमी ज़ेन समझाते हैं केबी रॉलिंस को कि तुम थोड़ा सेफली लड़ना। और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पोल हेबन भड़काते हैं सोलो सिकुआ को, किसके खिलाफ, रिडल एंड सेमी ज़ेन के खिलाफ। ये कहते हैं कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया है तो तुम उससे बदला लेना। और उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है, फाइनली सोलो सिकुआ वर्सेस रिडल का मैच देखने को मिलता है। और ये मैच का ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, मतलब छोटा ही मैच हमें देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है इस मैच में। जब मैच स्टार्ट होता है तो बार बार द उसस ब्रदर्स आकर अटैक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन सेमी ज़ेन एंड केबी रॉलिंस आकर सेव कर देते हैं। और यहाँ पे सेमी ज़ेन एंड केबी रॉलिंस और द उसस ब्रदर्स में ही हमें फाइट देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिडल एंड सोलो सिकुआ का मैच देखने को मिलता है और ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं होता है। और यहाँ पे सोलो सिकुआ को मौका मिलते ही वो रिडल के ऊपर सोलो स्काइफ लगा देते हैं, जिसके बाद रिडल हार जाते हैं, सोलो सिकुआ जीत जाते हैं। अब हमें ये देखने को मिलता है कि सोलो सिकुआ रिडल को उठाकर एक बेंच में पटक देते हैं, जिसके बाद रिडल अब उठ ही नहीं सकते। अब ये एक्साइटमेंट यहीं तक ही ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि बैकलेस में हमें इन तीनों टीमों का मैच देखने को मिलेगा। तो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।